हेलो बच्चों बच्चों, हम सभी टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम टेंजेंट नॉर्मल के अंदर, ठीक है बच्चों, टेंजेंट नॉर्मल के अंदर आप सभी को मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करवाया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। लेकिन जितना हो पाया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अभी पहले मैं आप लोगों को जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले मैं करवाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका रह रहा है, पहले मैं वो करवाता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, सेकंड पार्ट के लिए भी सॉल्व करूंगा, द गिवन कर्व इज 15th का बी पार्ट। द गिवन कर्व इज, हाँ जी, गिवन कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, पावर आगे एक कम 2, ये है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है भाई, ये बच्चों हमारा था, ये तो हमारा क्या था भाई, स्लोप था। ये तो हमारा क्या था, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या था हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, यानी ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। नाउ अब अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले अब ये है, सबसे पहले अब हमें बच्चों लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन क्या दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमें बच्चों लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस 5x बराबर 13। अब देखो सबसे पहली बात कि भाई यहां पे हमें x बाद में दिया, y पहले दिया, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि x वाला हिस्सा पीछे आगे होना चाहिए और y वाला हिस्सा पीछे। नाउ अब निकाल लो स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो माइनस ए अपॉन बी होता है, तो माइनस ए यानी माइनस 5, ये 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 5/5, कट गया 1, तो स्लोप कितना आ गया भाई, इसका स्लोप आ गया 1। कितना आ गया इसका स्लोप, 1, सॉरी 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 बच्चों, यहाँ 15 है, यहाँ पे कितना है 15, ठीक है, यहाँ आएगा 15, कट गया, कट पिटा के आ गया बच्चों 3, 15 कट के कितना आ गया 3। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया 3। लेकिन देखो आपसे उसने बोला क्या है, उसने बोला है परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर बोला है तो बच्चों हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको अच्छे से पता है, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमें स्लोप नॉर्मल के केस में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल के केस में निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, m1, इसको m1 ले लो, m1 इंटू m2 बराबर -1, और m1 की वैल्यू है 3, m2 -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3, यानी जो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बना वो -1/3 बना। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है स्लोप ऑफ कर्व बराबर होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इसी के केस से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी dy/dx बराबर -1/3, और ये कितना है बच्चों, ये है आपका 2x-2 बराबर -1/3। माइनस का 2 वहां जाके बच्चों हो जाएगा प्लस का, और सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 में से 1 गया 5/3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5/6, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5/6। अब एक्स आ गया तो वाई आप निकाल ही लोगे, कहाँ पे पुट करके, कर्व में, पुट एक्स इन कर्व, पुट एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो कर्व की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7, तो वाई, एक्स की वैल्यू है 5/6 का स्क्वायर, 5/6 + 7, वाई की वैल्यू 25/36, 10/6, 7/1, भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 36, 36 से 36 कटा 25, ये कटेगा 60, और 36 सेवन जा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36 सेवन जा 210 और 42, तो कितना हो जाएगा 252।
तो 252 और 25, 277 माइनस 60 बटा 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 7 1 2 36। तो इतना आ गया बच्चों, y की वैल्यू आ गई ये, x की वैल्यू आ गई ये। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ द इक्वेशन ऑफ, क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन एम टू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब वाई वन की जगह पे ये पुट करोगे, एक्स वन की जगह पे ये पुट करोगे और एम टू की जगह पे ये पुट करोगे, और बच्चों सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। तो आपका जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा, मैं आपको बता दूं ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये अपने ऑफलाइन बैच में भी करवाया है तो इसका आंसर मुझे याद है, और इसका आंसर होगा इसका 12x + 36y - 277 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, 12x + 3y - 270, नहीं, 277 नहीं, 227 होगा जहां तक मुझे याद है, हाँ 227 यही होगा। ठीक है, तो जब आप इस वाली इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, बारहवा आपने कर लिया होगा, 13वां करवाता हूं, 13वां नहीं किया होगा आपने, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है, आपको दिया हुआ है कर्व, द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 + y² / 16 बराबर 1। आगे बोला है एट विच टेंजेंट, किस टेंजेंट पे पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के और पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो मैं एक पार्ट करा देता हूं, सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले तो आप डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो इसको, तो क्या बनेगा, पावर आगे एक कम, इसका करो पावर आगे एक कम, लेकिन भाई वाई का करोगे तो dy अपॉन dx भी तो बनेगा, और वन का जीरो, ये प्लस की चीज वहां जाके क्या बनेगी, माइनस। ठीक है, अब ये देखो 16 यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, या 2 से 2 कैंसिल, 16 वहां पे जाके क्या करेगा भाई, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और ये वाई यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां के क्या करेगा, डिवाइड। तो आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, -16x / 9y, क्या आ गई, अपॉन 9y। अब इसने पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है बच्चों कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अब इसने क्या बोला है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो भाई पैरेलल टू द अगर एक्स एक्सिस है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अब हमें क्या करना है, नाउ तो हमें पॉइंट फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो लीजिए नाउ, अब एक काम करते हैं, तो सबसे पहली बात, जब भी बात की जाएगी पैरेलल की, जब भी क्या बात की जाएगी पैरेलल की, तो हमें याद रखना है, नाउ याद कर रखना है, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। अगर जब भी बात की जा रही है किसकी, पैरेलल की, तो स्लोप को हमेशा किसके बराबर रखो, जीरो के। तो मतलब डी वाई बाय डी एक्स बराबर जीरो, और यह हो गया -16x / 9y = 0। तो ये वहां जाके हो गया जीरो, हाँ जी, -16x बराबर वहां जाके जीरो, और 16 वहां जाके ये भी जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब क्या करेंगे, पुट एक्स इन इक्वेशन, पुट एक्स इन इक्वेशन किसमें भाई, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये आ गया आपका x² / 9 + y² / 16 = 1। अब मेरी बात ध्यान रखना भाई, ये जो कर्व है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x को जीरो पुट करेंगे, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y को जीरो पुट करेंगे, ध्यान रखना इस बात का।
तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, बचा वाई स्क्वायर अपन 16, 16 यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं आ जाके डिवाइड, वाई स्क्वायर स्क्वायर उसके ऊपर जाएगा रूट, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, और हमें क्या निकालना था पॉइंट, सो द पॉइंट आर, सो द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या बने बच्चों, हां जी एक्स कितना 0 4 और 0 माइनस 4, ये आपका क्या बना पॉइंट्स बने, ये आपके क्या बने बच्चों, ये आपके पॉइंट्स बने, ठीक है 0 4 और 0 माइनस 4, ठीक है जी। अब इसी का अगर मान लो आपको ये निकालना है, अब इसी ने बोला, इसी का सेकंड पार्ट कराई देता हूं, अब की बार उसने बोला, अब की बार उसने बोला कि भाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के पैरेलल, सो भाई तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तो है ही आपके पास, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, लेकिन ये आएगा वन अपॉन में डी वाई, यानी कि वन अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, इसके जीरो होएगा, क्यों, क्योंकि जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स की कंडीशन ये लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस का पैरेलल का असली मतलब होता है डी एक्स अपॉन में डी वाई, और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको इस तरीके से लिया जाएगा, तो ये क्या बनेगा वन अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है ये दी हुई है, तो क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या बन जाएगा नाइन वाई अपॉन में माइनस का 16x बराबर 0, उधर जाके हो जाएगा 9y 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आप बात समझ ही गए होगे कि भाई जब y एक्सिस के पैरेलल दिया होगा तो y की वैल्यू 0, और जब x एक्सिस के पैरेलल दिया होगा तो x की वैल्यू 0, तो अब आप समझ गए होगे क्या करना है, पुट y इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, तो कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 0, सॉरी बराबर 1, तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y की जगह पे तो 0 कर देंगे, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 9, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3, सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट्स आर, अगर पॉइंट होंगे आपके पॉइंट होंगे कब, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो क्या 3 0 और माइनस 3 0, ठीक है नोट कीजिए, नोट करो, फोर्टींथ क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप फोर्टींथ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फोर्टींथ क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको टेंजेंट तो निकालना ही है साथ में नॉर्मल भी निकालना है, ये क्वेश्चन करके दिखा दूं, चलो मैं ना एक काम करता हूं, मैं इसका पांचवा पार्ट करके दिखा देता हूं आपको, फोर्टींथ का पांचवा पार्ट, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है चलिए नोट हो गया, अगला देखेंगे 14th का पांचवा पार्ट, फोर्टीन का पांचवा पार्ट देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल, यानी टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालो नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालो, 14 का पांचवा पार्ट, x बराबर cos t और y बराबर sin t और t बराबर दे रखा है पाई बाय 4, ठीक है जी, पहले नाउ x बराबर बच्चों cos t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन में dt, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, और आपको अच्छे से पता है डी एक्स अपॉन में डी टी, बस यहीं तक छोड़ दो, नाउ अब क्या है वाई बराबर साइन टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स नहीं होगा टी होगा टी, तो डी वाई अपॉन में डी टी कॉस टी, नाउ हाँ जी अब क्या करेंगे नाउ डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन में डी टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी है कॉस टी, और इसकी डी टी अपॉन डी एक्स पलट दो तो वन अपॉन में माइनस साइन टी, जो कि बन जाएगा माइनस का कॉस कॉट टी डी वाई अपॉन में डी एक्स, लेकिन टी की वैल्यू पाई बाय फोर हमें दी हुई है, तो हम लोग टी की जगह पे पाई बाय फोर रख देंगे और हमारा जो आंसर आएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर आएगा -1, क्योंकि बच्चों कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है -1, ठीक है, माइनस पहले ही से दे रखा है। तो ये तो आ गया हमारा स्लोप, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, तो कितना आ गया -1। नाउ अब हमें पॉइंट्स भी तो निकालने पड़ेंगे। नाउ एक्स बराबर कॉस टी, ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4, तो एक्स कितना आ गया √2, ठीक है, 1/√2। इसी तरह y की वैल्यू है साइन टी, और यहां पर भी आप क्या पुट कर देंगे, t की वैल्यू पाई बाय 4, तो कितना जाएगा 1/√2, तो y की वैल्यू भी यही आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस वाई वन एम वन एक्स माइनस में एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 1/√2, एम वन कितना है -1, एक्स -1/√2, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, √2y -1/√2, हाँ जी √2x -1/√2, √2 से √2 कट गया, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस का √2x+1 उठा के इधर ले आओ, √2x+√2y -1 जहां ले आओगे तो प्लस का 2, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गई ये। अब क्या बनाना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई ये। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ जी स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, m1 m2 बराबर -1, और m1 तो पहले से ही कितना है -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m2 की वैल्यू कितनी आई 1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हाँ जी नॉर्मल की इक्वेशन y-y1 m2x-x1, तो y-y1 की वैल्यू 1/√2, m2 1 x-1/√2, सॉल्व कर दो √2y-1/√2, √2x-1/√2, √2 से √2 कट गया, उठा के उधर ले जाओ सबको, या उठा के -1 ये उठा के इधर ले आओ +1, √2x उठा के उधर ले जाओ -√2y, तो ये तो 0 हो गया, तो यानी कि √2x-√2y = 0, और ये आपको इक्वेशन। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों नोट करो, इसे जल्दी जल्दी नोट करो, याद रखना इसी तरीके से पॉइंट निकालना है आपको, x और y पॉइंट निकालना है, फिर इस तरह से आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का, फिर इसी तरह स्लोप निकालना है नॉर्मल का, इक्वेशन पुट करना और इक्वेशन बनानी है, ठीक है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कराई दिया, अब आ रहा है 16। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to इतना, वेयर द पॉइंट दिस एंड दिस, देखो 16 वाले में क्या है, आपसे पूछा है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, भाई पैरेलल है कि नहीं है, तो ठीक है जी पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप बराबर आ जाए तो पैरेलल है, दोनों का स्लोप बराबर आ जाए तो पैरेलल है, तो चलो करके देखते हैं। एक क्लास और लगेगी फिर ये टेंजेंट नॉर्मल खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा सो दैट द यानी टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि द गिवन कर्व इज, हाँ जी कर्व क्या दिया हुआ है, y बराबर 7x³ + 11, और कह रहा है एट द पॉइंट x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। अच्छा चलो चेक करते हैं,
सबसे पहले तो वही करो यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स 7, और ये क्या है पावर आगे एक कम, ये तो हो गया 0, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर आ गया 21x2। ठीक है नाउ, हाँ जी, अब क्या है द गिवन पॉइंट्स आर, हाँ जी गिवन पॉइंट्स आर एक्स बराबर 2 एंड एक्स बराबर -2। तो भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स बराबर एक बार 2 रख के देख लो, तो 21 2 का स्क्वायर, तो 21 2 का स्क्वायर 4 यानी 84 नाउ, और एक बार आप इसी में -2 रख के देख लो, तब भी बात वही पड़ रही है। तो जब दोनों के दोनों स्लोप आपस में बराबर आ गए तो इट मीन मैं क्या कहूंगा, यस ये पैरेलल की ही इक्वेशन है। ठीक है, किसकी? पैरेलल की ही इक्वेशन है। अब 17th क्वेश्चन है, ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में सारी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि द गिवन कर्व इज वाई बराबर एक्स क्यूब। बच्चों ये हमें कर्व दिया हुआ है, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स और ये पावर आगे एक कम, ये आ गया हमारा स्लोप। आगे कह रहा है, कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई ऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कह रहा है कि जो नाउ नाउ आपसे ये कहा गया है कि जो वाई का कोऑर्डिनेट है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3x2। ठीक है, और किस कोऑर्डिनेट के बराबर है वाई, तो भाई 3x2 बराबर वाई किसके बराबर है एक्स क्यूब के, उठा के इसको इधर ले आओ तो 0 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x2, 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 3, क्या बचेगा एक्स माइनस 3। ठीक है, और भाई एक्स स्क्वायर जो होता है वो आपका एक तरह का एक्स माइनस 0 होता है, एक्स स्क्वायर जो होता है वो आपका एक तरह का क्या होता है एक्स माइनस 0 होता है। सो द पॉइंट्स आर, या तो आप कंपेयर करके देख लो, सो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स की एक वैल्यू आएगी 0 और एक्स की एक वैल्यू आएगी 3, तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है, पुट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो y बराबर x क्यूब एक बार तो रख दो भैया 0, तो y यानी अगर x 0 है तो y 0, और एक बार रख दो 3, तो 3 का क्यूब, तो यानी कि 3 का क्यूब होता 27। सो द पॉइंट्स आर एक पॉइंट तो आया 0 0 और एक पॉइंट आया 0 27, क्या आया 0 27, करो इसे। चलिए अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा हूं करने के लिए,
20 दे रहा हूं करने के लिए, 21 दे रहा हूं करने के लिए, 22 दे रहा हूं करने के लिए, 24, 25, बस ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ठीक है, और 19 भी करना, 19 भी, यानी 23 छोड़ के सारे क्वेश्चन कवर करना, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।